गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट 2019 दिसंबर का पेपर। सो उसमें हमने पार्ट फाइव तक डिस्कस कर लिया था, तो पार्ट फाइव को ही हम आगे थोड़ा ले जाएंगे और आज जो रेस्ट क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट फाइव में हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, सो उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ कंटिन्यूसली इसको देखें और इसके जो भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से करें। और फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टीज आती है तो दोबारा इस पेपर को देखें, फिर से वीडियोज़ को देखें, तो आप इसे 100% सॉल्व कर पाएंगे। सो दिसंबर के पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सारे PYQ इसी तरह से आपको सॉल्व करके यहाँ पे दूंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो यूजीसी 19 दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। एज पर द इंफॉर्मेशन कि आपका जो एजुकेशन का पेपर है वो 12 नवंबर को होगा। सो तब तक हम कोशिश करेंगे कि 2016 तक एटलीस्ट PYQ डिस्कस कर लें। और हमारा नया कोर्स भी लॉन्च हो गया है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एमकेग ने विच लर्निंग टाइप प्रोसीड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। सो जो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में लर्निंग का थ्योरी दिया है मिस्टर गैगने ने, उसमें उन्होंने एक हायरार्की बताई है। तो हायरार्की में मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि उन्होंने क्या हायरार्की बताई है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं चीज़ों को, सारी थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे। सो गैगने जो एक अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम बताया है जिसमें अलग अलग तरीके से लर्निंग को डिफरेंट तरीके से एक हायरार्की बताया गया कि जब कोई लर्निंग करता है तो जो जो कॉम्प्लेक्सिटी है सीखने की हमारी, वो कैसे इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं वो सिग्नल लर्निंग से सीखते हैं, उसके बाद स्टिमुलस से सीखते हैं, रिस्पॉन्स से, देन चैनिंग, देन वर्बल, देन डिस्क्रिमिनेशन, देन कंसेप्ट, देन रूल, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इससे कई तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो इस हायरार्की को आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है कि सभी को प्रॉपर अरेंज करिए। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे चैनिंग में क्या क्या आएगा। तो चैनिंग में दो ही तरह की लर्निंग आती है, सिग्नल और स्टिमुलस। अगर वो पूछता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में गए जो 7 टाइप है वो सब आ जाएंगे, रूल में 6 टाइप आएंगे, 5 डिस्क्रिमिनेशन में 4 टाइप आएंगे, वर्बल में 3 टाइप आएंगे। यानी कि जो भी ऊपर वाला लर्निंग है वो दूसरे जो उसके नीचे वाले हैं उसको क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो इस चीज को हमें क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिग्नल लर्निंग का मतलब क्या है, स्टिमुलस, इन सबको भी देख लीजिएगा, कभी कभी कंसेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लर्निंग टाइप है जो कंसेप्ट लर्निंग को प्रेसीड करता है। तो अब हमें फिर से ये देखना है कि कंसेप्ट हमारा किस नंबर पे आ रहा है। तो कंसेप्ट हमारा आ रहा है लर्निंग 6 नंबर पे। तो कंसेप्ट में सिर्फ रूल और प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी सभी टाइप कंसेप्ट के अंदर आएंगे। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में सिर्फ रूल देखिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सी और ए ये दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल है कंसेप्ट से। तो ए और सी जिस भी ऑप्शन में होंगे वो ऑप्शन सही नहीं होगा। सो ए इसमें है तो ये गलत हो गया, सी इसमें है तो ये गलत हो गया, 3 में ए और सी नहीं है तो ये सही होगा, और सी इसमें नहीं हो सकता। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3rd। ये एक सही आंसर है जो हमें ये बताता है कि कंसेप्ट लर्निंग में क्या क्या आएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 6 बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग एज गिवन बाई टोलमैन। टोलमैन ने क्या था कि 6 टाइप दिए थे लर्निंग के, तो उसमें विच वन इज सिमिलर टू स्किनर कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट। तो जो इक्विवेलेंस बिलीफ था वो बिल्कुल सेम था जो स्किनर का रीइंफोर्स था उसके अकॉर्डिंग। तो टोलमैन ने जो मैपिंग का सिद्धांत दिया था कि जैसे एक रैट था तो उसके माइंड में क्या मैप बन जाता था, कंसेप्ट ऑफ मैपिंग, तो उसी तरह से इक्विवेलेंस बिलीफ का जो प्रिंसिपल है वो किसके सिमिलर है, स्किनर की कंडीशनिंग रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी से। यानी कि अगर कोई चूहा एक पजल को सॉल्व करता है तो अगर वो उसको रीइंफोर्स मिल रहा है तो वो जल्दी सीख सकता है। इसी तरह से जो टोलमैन का सिद्धांत है इक्विवेलेंस बिलीफ का, वो क्या कहता है कि जब भी
आपके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है, और दो रास्ते में से आप उसी रास्ते को चूज करेंगे जिस पे आप पहले जा चुके हैं और वो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा श्योर होते हैं। तो इस तरह से इसका भी आंसर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अ हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च का क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन के बारे में इसमें से क्या ट्रू है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन होता क्या है। सो मोस्टली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डेटा। तो हमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक में ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव जहाँ पे नंबर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और क्वालिटेटिव पे जहाँ पे हम क्वालिटीज की बात करते हैं, गुणवत्ता, ठीक है। तो अब क्वालिटेटिव गुणात्मक डेटा, तो हिस्ट्री का जो रिलेशन होता है वो हमेशा किससे होगा, क्वालिटेटिव डेटा से होगा, और साइंस का रिलेशन हमेशा क्वांटिटेटिव से होता है। तो पहला सही है। दूसरा है कि टेस्टिंग हाइपोथीसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट। सो टेस्टिंग हाइपोथीसिस इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है क्योंकि हम यहाँ पे हाइपोथीसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। सो बी नहीं हो सकता। एंड अगेन देखते हैं सी, फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन, कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो भी हमने उसमें रिसर्च में रिजल्ट निकाला है, क्या हम उसे दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन पर्टिकुलर किसी एक कंसेप्ट को लेके होता है। सो हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप धूप में जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगा, है ना, तो इस फाइंडिंग को आप कहीं पे भी जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये किस तरह का है, साइंटिफिक है। लेकिन हिस्टोरिकल को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है। तो सी नहीं हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है, डेटा आर एग्जामिन फॉर वैलिडिटी एंड ऑथेंसिटी, ठीक है, जो डेटा है वो एग्जामिन होता है, वैलिड होता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिसर्च आप कर रहे हैं तो चाहे वो कोई भी रिसर्च हो वो हमेशा ऑथेंटिक और वैलिड ही होती है, तभी वो सही रिसर्च होती है। सो डी करेक्ट हो जाएगा। ई है, कंटेन एनालिसिस यूज्ड फॉर द डेटा ट्रीटमेंट। तो अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग हाइपोथीसिस नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम कंटेंट का क्या करते हैं गाइस, एनालिसिस करते हैं। सो ई अगेन राइट हो जाएगा। सो इसका जो सही आंसर होगा ए, डी एंड ई। तो ए सही है, डी सही है और ई सही है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका आंसर अगेन होगा 3। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और स्टेटमेंट का। तो असर्शन और स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें रीजंस दिया रहता है और उसकी असर्शन होती है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो असर्शन है, जो कथन है, क्या उसका कारण वही है जो होना चाहिए। तो एक बार आपको इस लॉजिक को लगाकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि क्या असर्शन है, कथन क्या है कि इन एंसिएंट इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ द इनर नेचर ऑफ और करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट वॉज डीम्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि बच्चे का करेक्टर को, चरित्र का जो विकास है, उसके करेक्टर को जो डेवलपमेंट है, वो एंसिएंट इंडिया में यानी कि प्राचीन भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव होता था एजुकेशन का। तो ये क्या है, ये एकदम से ट्रू है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या नहीं है। तो पहला हमारा कंडीशन क्या है कि ये ट्रू हो गया। तो अब यहाँ पे ए ट्रू है, ठीक है, अब ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि ए इसमें क्या दिया है, फॉल्स। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 4 को हटा देंगे। ए 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है आंसर। अब दूसरा है कि मेयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर विल डिफीट द वेरी एंड्स ऑफ स्टूडेंटशिप, कि अगर उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया बट उसका करेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये स्टूडेंटशिप का एंड है। तो ये क्या है, जैसे मान लो कोई बहुत बुरा पर्सन है, ठीक है, बहुत ईविल टाइप का है, और वो उसका एजुकेशन तो उसने ले ली पर उसका कोई करेक्टर या कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये एंशियंट का टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये सही है? तो ये भी सही है ना, क्योंकि पहले ऐसे लोगों को एजुकेशन में हटा दिया जाता था और उनको स्टूडेंट नहीं माना जाता था, ठीक, तो ये भी सही है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के रीज़न और असर्शन हैं? तो हम अब ये देखते हैं कि आर फॉल्स है, नहीं, आर फॉल्स नहीं है। तो ये दो हट गए हमारे सामने से। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और या फिर ये दोनों सही हैं बट इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सो आंसर शुड बी 2।
गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्क्राइब अ वर्चुअल क्लासरूम। सो वर्चुअल क्लासरूम का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी आजकल चर्चा में है कि वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है। सो वर्चुअल क्लासरूम का मतलब सीधा से यही है कि जैसी क्लासेस आपकी हैं, जो क्लासेस आप अभी तक पढ़ते आए हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसको बस हमने क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, सो सब भूल जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि लर्निंग का वहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। सो ऑनलाइन लर्निंग का इन्वायरमेंट है। अभी तक आप किस पे पढ़ा करते थे, ऑफलाइन, तो ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट एसेड थ्रू द वेबिनार्स। ठीक है, तो इसमें हम वेबिनार्स के थ्रू कर सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं कि लर्नर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे हम अपने क्लास में बैठकर किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं स्कूल में, तो वो वर्चुअल क्लासरूम नहीं है, वहाँ पे आप टेक्नो फ्रेंडली क्लासरूम बोल सकते हैं। दूसरा है अ ट्रेनिंग कोर्स डन यूजिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल, यानी कि यूट्यूब से क्लास लेना, एक ट्रेनिंग कोर्स करना, क्या ऑनलाइन क्लासरूम कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। यानी कि वही लर्निंग है जो ऑनलाइन चल रही है, जिसमें ऑनलाइन एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम चेंज को। तो अगर हम देखें तो करिकुलम चेंज क्या होता है, कि करिकुलम जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, पूरे हमारे सिलेबस कोर्स सारी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हम किसी स्कूल में कॉलेज में करते हैं ड्यूरेशन में, तो उसको करिकुलम से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब करिकुलम चेंज क्या है, कि जब भी हमें करिकुलम में कोई चेंज करना है, तो करिकुलम क्या है, एक डायनेमिक प्रिंसिपल होता है जिसमें चीज़ों में चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंज करना है तो चेंज में क्या क्या फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो पहला है कि ग्रोथ इन नॉलेज, अगर हमारी नॉलेज बढ़ गई है, जैसे क्या होता है कि आज से 10 ईयर्स पहले जो आपकी नॉलेज थी और उस नॉलेज को अगर आप आज कंपेयर करेंगे, तो लगभग ये 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा आपकी नॉलेज आपने 10 ईयर्स में गेन की होगी। तो अगर आपकी नॉलेज बढ़ गई है, तो सीधी सी बात है कि करिकुलम में भी चेंज करना होगा। सो ए तो 100% होगा ही होगा। टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, जैसे अभी पहले क्या होता था कि आप क्लासेस में पढ़ते थे, बट COVID-19 की वजह से सभी लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बदल दी और अब हम ऑनलाइन लर्निंग करने लगे हैं। तो क्या ये इससे हमें करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा? यस, ऑफकोर्स हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्यूपिल, यानी कि जो भी यहाँ पे आपकी नीड्स हैं या इंटरेस्ट कह सकते हैं, इससे रिलेटेड हो सकता है। यस, ऑफकोर्स हो सकता है कि किसी बच्चे को सिर्फ ऑनलाइन ही समझ आता है, उसको ऑफलाइन कुछ पढ़ना ही नहीं है, उसको कंप्यूटर से ही पढ़ना है, तो सीधी सी बात है कि ये भी हो सकता है। डी है जॉब प्लेसमेंट, ठीक, जॉब प्लेसमेंट का यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है। एंड एबिलिटी ऑफ कंपेटेंट टीचर्स, ठीक है, तो कि टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंज इन्फ्लुएंस होगा या नहीं है। ठीक है, अगर टीचर नहीं होंगे, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनको ट्रेन किया जाएगा, सो ई भी नहीं हो सकता है। सो इसमें डी और ई नहीं होंगे, बाकी ए बी सी इसका सही आंसर होगा। तो ए बी ई नहीं हो सकता है, तो ए बी सी इसका सही आंसर होगा। सो सेकेंड सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, बी सी डी डी नहीं हो सकता एंड बी सी ई नहीं हो सकता, सो इसका आंसर होगा ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टीचर टॉक। ये वाला टॉपिक मैंने जो पेड कोर्स कराया था उसमें काफ़ी अच्छे से कराया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो नोट्स दिया है उसमें मैंने ये सारी कैटेगरीज भी बताई हैं। तो उस कैटेगरी से अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कि ऐसे जो फ्लैंडर का इंस्ट्रक्शन एनालिसिस की अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें टीचर टॉक से कौन सा रिलेटेड है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट टॉक क्या है, पीपल टॉक क्या है और टीचर्स टॉक क्या है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग कैटेगरी से उनको एज इट इज लर्न कर लेना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो लेक्चरिंग है वो नहीं होता है। ठीक है, गिविंग डायरेक्शन भी नहीं होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स होता है। डी क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी बाई द टीचर्स नहीं होता है। एंड इनकरेजिंग स्टूडेंट एंड प्राइजिंग ये होता है। एंड एफ है आपका यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज इन हीज हर टॉक्स बाई द टीचर, सो एफ भी इसमें होता है। सो इसका सही आंसर होगा ए ई एफ।
AEF इसके सही आंसर है. सो AEF जो है डायरेक्ट जो रिलेटेड हैं वो किससे हैं, टीचर टॉक से रिलेटेड हैं और बाकी किससे रिलेटेड होते हैं, स्टूडेंट टॉक से रिलेटेड होते हैं. तो इस तरह से इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को हम देखेंगे. सो गाइज ये देखिए, ये जो फ्लेंडर का इंट्रक्शन एनालिसिस है उसमें टीचर टॉक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. टीचर टॉक का मतलब कि टीचर ने क्या कहा, तो टीचर क्या बच्चे से इनडायरेक्ट कहता है और क्या बच्चे से डायरेक्ट कहता है. अब जिन लोगों को नोट्स मिला है ऑलरेडी वो लोग आराम से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि अलग अलग इसकी कैटेगरी आपके नोट्स में दी हुई थी. तो टीचर टॉक में आपसे इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्राइज और इनक्रीज, एक्सेप्ट आइडियाज ऑफ स्टूडेंट एंड आस्क क्वेश्चन, ये सब इनडायरेक्ट होता है. और डायरेक्ट क्या होता है, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग एंड एक और होता है इसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्स. एंड जो स्टूडेंट टॉक होता है उसमें स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन एंड साइलेंस और पॉज. तो ये इस तरह से दो कैटेगरी होती हैं, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक. और टीचर टॉक में भी यहाँ पे दो कैटेगरी होती हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है. तो इस तरह से इतना डिटेल में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए तब जाके आप इसको कर सकते हैं. तो आप समझ रहे हैं कि क्या डेप्थ है क्वेश्चन की. तो अब इसमें से आपको क्या करना है कि टीचर टॉक इनडायरेक्ट पे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पे अगली बार आ सकता है कि डायरेक्ट टीचर टॉक में क्या क्या आता है, या फिर ये पूछ सकता है कि स्टूडेंट टॉक में क्या क्या आ सकता है. तो इस तरह से आपको हर टॉपिक को तैयार करना है, और उन टॉपिक्स को तो ज़रूर तैयार करना है जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा 2. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं. 58 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू फॉर्मुलेट जनरलाइजेशन लीडिंग टू थ्योरी बिल्डिंग. यानी कि हम जब रिसर्च करते हैं तो हम क्यों जनरलाइजेशन करने के लिए कोई थ्योरी बनाते हैं, ठीक है. तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जनरलाइजेशन का मतलब है हिंदी में सामान्यीकरण, यानी कि किसी भी चीज़ को हम सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं. सो इसका जो आंसर है वो 4 है, एक्सपेरिमेंट विद कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है. तो ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें जिससे हम कंट्रोल करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबलेशन का जो मैनिपुलेशन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी FLAC इन अ 10x10 ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स. यानी कि जो ये टीचर टॉक था, जो ये प्यूपिल स्टूडेंट टॉक था, उसके आधार पे हमने 10x10 का क्या बनाया, एक ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स बनाते थे. उस मैट्रिक्स में द सेल्स विच इंडिकेट अ सस्टेन लेवल ऑफ वर्बल इंटरचेंज आर नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट रेशियो. अब मैंने ये आपको कराया था, इसका फॉर्मूला भी बताया था कि इसमें कैसे निकालते हैं. इसमें 10 और 10 सारी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जिन लोगों के पास प्रीवियस नोट्स है, ठीक है. ये जो क्वेश्चन है वो एकदम से थ्योरी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनको बिना प्रॉपर स्टडी के आप सॉल्व नहीं कर सकते. यानी कि हम यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगा सकते, इसको हमें लर्न करना ही करना पड़ेगा. लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 60, द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ऑफ UGC हैज गिवन रिकमेंडेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट सजेस्टिंग सम नीडेड स्टेप. तो जो UGC ने इसमें क्या रिकमेंडेशन दी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, यानी कि चेंज क्या कर सकते हैं, सो उसको लेके हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें दी हुई हैं, ठीक है. तो ए दिया है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करिकुलम, ठीक है. तो मॉडल जो करिकुलम का डेवलपमेंट है वो UGC उसका रिकमेंडेशन नहीं देगा, ठीक है. UGC का काम ये नहीं होता है कि वो ये बताए कि करिकुलम में कौन सा मॉडल आपको अप्लाई करना है, ठीक है. तो ए नहीं हो सकता. एंड बी है कि अपडेशन रिविजन ऑफ करिकुलम टू लिमिटेड एवरी ईयर एंड सस्टेनेबिलिटी एवरी 3 ईयर्स, यानी कि जो भी करिकुलम है उसको, क्योंकि नॉलेज क्या है थोड़े टाइम बाद डबल होती जाती है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपडेट करना है हर 3 ईयर में, 3 ईयर्स में. तो बी आंसर 100% होगा. सो बी यहाँ पे हमें दिया है, तो 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 में बी नहीं है, ठीक है. इस तरह से इसमें से होगा कोई एक आंसर. नेक्स्ट देखते हैं सी, अपडेशन ऑफ करिकुलम. तो अपडेशन जहाँ पे भी आएगा वो 100% UGC ही रिकमेंड कर दी. तो अपडेशन ऑफ करिकुलम टू बी कैरीड आउट इन
टर्म्स ऑफ करेंट नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो अपडेशन हम क्यों करते हैं कि जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑफकोर्स सी भी होगा, तो बी और सी किस किस में आ रहे हैं, तो बी और सी हमारे आ रहे हैं तीनों में। इसके बाद डी है कि फ्रेश एंट्रेंस टू बी गिविन इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग देना यूजीसी का काम नहीं है, तो ये नहीं होगा, डी नहीं हो सकता है। सो डी अब हमारे पास और एक ऑप्शन हो गया है, तो थर्ड यहाँ से हट जाएगा क्योंकि थर्ड में डी दिया हुआ है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है सिर्फ टू, इसमें ओनली बी और सी सही होगा, क्यों ईद को एक बार देख लेते हैं, करिकुलर ट्रांजिशन एंड सिनर्जीज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, तो ये भी सही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बी सी और ई सही आंसर होगा। सो इसका सही आंसर है टू। तो इस तरह से एनालिसिस करते हुए पेपर्स को समझेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी इस तरह के PYQ के वीडियोस में अपडेट करती रहूँगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज़।